झारखंड प्रदेश भाजपा के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरंडी संथाल परगना क्षेत्र के दौरे के अंतिम चरण में साहेबगंज जिला पहुंचे, जहां उन्होंने बरहेट में आदिवासी मोर्चा के सम्मेलन में शिरकत की और लोगों को संबोधित किया। वहीं शनिवार को साहेबगंज के स्थानीय परिसदन में प्रेस वार्ता की और उन्होंने जमकर झारखंड के हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वर्षों में हेमंत सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया है, जिससे कि झारखंड की जनता को लगे कि उन्होंने कोई कार्य किया है। आगे उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातों को रखा और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार और लूट की संख्या बढ़ी हुई है। चलिए सर, एक सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अपने विधानसभा के दौरे पर आए थे, उन्होंने कहा है कि भाजपा के जो विपक्ष के नेता हैं बाबूलाल जी के द्वारा जो यात्रा किया जा रहा है वो सरकार को बदनाम करने की एक यात्रा के रूप में वो कह रहे थे, क्या कहना है सर आपके इस मुद्दे पे? देखिए, हमने तो कुछ भी बदनाम करने जो काम वो नहीं कर रहा। अच्छा, इस क्षेत्र में कैसे लूटपाट हो रही है, बालों की तस्करी घूमते हो रही है बरहेट के इलाके से, पत्थल की भी वही हालत है। पिछले दिनों बरहरवा में जो बाजार की ऑक्शन हो रहा था वहां क्या घटना घटी आप सब लोगों ने देखा, अखबारों में भी छपा। अगर हम ये सारे बातें फिर बरहेट में एक लड़की के साथ थानेदार पकड़ करके उसको पीट रहे थे झोटा पकड़ करके, भाई ऐसे कैसे हिम्मत कर सकते। रांगा थाना की घटना है कि लड़की के साथ बलात्कार होती है, उनकी हत्या कर दी, वहां से लोगों को भगा देते। अगर ये सारे बातें अगर सरकार गलत करेगी तो हमारा दायित्व तो बनता है, जनता ने हमें उसके लिए जनादेश दिया है, तो हम जनता को बताएंगे कैसी सरकार काम कर रही है, किस प्रकार से काम कर रही है, कैसे आतंक मचाई हुई है। आज तो हालत ये है कि जो भी अखबार सरकार के विरोध में छापता है तो हमें पता है कि कई अखबारों के विज्ञापन को बंद कर देते हैं, वहां लोगों को धमकी देते हैं। अब पता कर लीजिए किन किन अखबारों को किस प्रकार से विज्ञापन रखना में बिठा रखे थे, सारे अपोजिशन के लोग कैसे कैसे बयान दे रहे थे, लोगों को भ्रमित करने की पूरी लोगों ने कोशिश किया। एमएसपी को सर अगर न्यूनतम गारंटी में शामिल किया जाए तो इसमें केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है सर? किसान तो मांग रहे हैं कि एमएसपी को जो है कानून का दर्जा दिया जाए। अरे कानून का दर्जा नहीं, पहले भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही होता था और आज भी है, और फसल आने के पहले सरकार तय कर रहे हैं कि आप कहें तो हम लिख करके देने को तैयार है कि आगे भी रहेगी, तो फिर क्या दिक्कत है? जैसे कि मनरेगा में सर कानून है तो अगर इसको कानूनी दर्जा दिया जाएगा तो किसान से कोई कम मूल्य पर जो है कोई सामान खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन अभी क्या होता है कि अगर आप कानून नहीं रहने के कारण जो है किसानों को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। अफसरशाही होगी, आप वही आकर के पहुंचते हैं जहां से लोगों को मुक्त किया जा रहा है। सर 23 तारीख को किसान पद यात्रा निकाले थे, आपकी भाजपा जो है सर उल्लंघन करके रखे हुए। चलो भाई सर, 14 साल के बाद आपका घर वापस, क्या लगता है कि वो गलती थी? हमने कहा कि 14 वर्षों तक पूरे झारखंड की धरती को हम समझ रहे थे और हम कहीं किसी के घर गए नहीं, हम 14 वर्षों तक पूरे झारखंड में घूम घूम करके यहाँ के लोगों की तकलीफ, यहाँ के लोगों की दर्द उसको हमने बढ़िया से समझा। 29 तारीख को सर सरकार की वर्षगांठ है सर, क्या कहेंगे अब सब पे? अब 29 को हम लोग मनाएंगे, बता देंगे।